तीन ऐसे महत्वपूर्ण लेखक जिनके इतिहास को पढ़कर आज तक मैंने आप लोगों के सामने सारे इतिहास के प्रमाण और वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने मुझसे सदैव पूछा है कि भैया हमें हिस्ट्री की किताबों की सूची दीजिए या लेखकों के नाम बताइए जिनके इतिहास को हम पढ़ सके और इतिहास समझ सके। नमस्कार दोस्तों, जय सनातन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम अपने सत्य सनातन हिंदू इतिहास की बात करते हैं और प्रमाण के साथ आपको इतिहास समझाते हैं। तो चलिए आज के इस इतिहास के पन्ने को हम उजागर करते हैं और इतिहास के उन महान लेखक और इतिहासकारों की सूची मैं आपको देता हूं जिनसे इतिहास आप सहजता से समझ सकते हैं और लोगों को भी समझा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था जिसमें आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में किसी मलेच्छ का समावेश है, और मैंने डंके की चोट पर आप लोगों से कहा था नहीं। अब ये मैंने किस आधार पर कहा था, तो हमारे सूची में पहले लेखक और इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदड़े, यह वो इतिहासकार है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से लेकर उनके अंत तक वो पूरा जितना भी इतिहास था उन्होंने लिखा हुआ है। लगभग 50 से ज्यादा वर्ष इन्होंने केवल इतिहास को दिया है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण तीन पुस्तकें हैं जो मैंने अपने स्कूल के लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा था, अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा था, और उसमें से सबसे पहला पुस्तक है श्री राजा शिव छत्रपति। यह पुस्तक आप लोग को इंग्लिश और मराठी, ये दो लैंग्वेज में मिलेगी, माफ करना लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा इनका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है शिवाजी हिज लाइफ एंड टाइम्स। यह पुस्तक आप लोग को ज्यादातर इंग्लिश भाषा में ही समझ में आएगी। अब यहां पर गजानन महेंद्र ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज नस्तेतर, यह मराठी में किताब है, और इसी के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का पूरा उल्लेख किया गया है। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को लेकर जो भ्रम फैलाए जाते हैं, ओवैसी का जो आप लोगों ने वीडियो देखा था जिसमें उसने कहा था 57% वगैरह वगैरह जो भी है, तो जो भी मलेच्छ क्षय दीक्षित इस शब्द को लेकर भ्रमित है वो इनके पुस्तक को जाकर पढ़ सकती है, अमेजोन पर इजिली अवेलेबल हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूं लेकिन इतिहास समय के अभाव से या फिर मुझे आलस आ जाता है, इस वजह से मैं इतिहास की मोटी मोटी किताबें पढ़ नहीं पाता, तो इसका सोल्यूशन है कुकू FM, जहां पर आप मराठा एम्पायर इन इंडिया जैसी ऑडियो बुक को सुनकर भारतवर्ष में मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को सुन सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और देश के सांस्कृतिक और वीर योद्धाओं के इतिहास के बारे में भी जानने को मिलेगा। कुकू FM के ऊपर आपको 4000 से ज्यादा बुक्स की समरी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जो कि ऑडियो फाइल में है। आप कहीं पर भी किसी भी समय में आसानी से उसे सुन सकते हो, जो भी मैं भी सुनता हूं। हिस्ट्री के टॉपिक्स आप अपने रीजनल लैंग्वेज के अंदर समझ सकते हैं, और कहीं पर भी आप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हो गया या अन्य विषय को आप आसानी से सुन सकते हैं। आपको इसके ऊपर ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 का मिलता है, लेकिन आप लोग मेरे खास हो इसलिए अगर आप लोग मेरा कूपन कोड AJT50 यूज करते हो, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो आपको 50% डिस्काउंट यानी कि 199 में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, इतिहास पढ़ने में आलस आ रहा है, सुनने में नहीं, इसलिए अभी जाकर कूपन कोड मेरा अप्लाई करिए और कुकू FM को डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। हमारे वीडियो के ऊपर दूसरे सबसे महत्वपूर्ण लेखक हमारे सूची के अंदर आते हैं पद्म विभूषण महाराष्ट्र भूषण शिवशाहिर बाबा साहेब पुरंदरे। हमारे जितने भी वीडियो होते हैं 99% वीडियो इन्हीं के पुस्तकों के आधार पर होता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा हुआ है जिसके दो खंड है, राजा शिव छत्रपति, जो कि आपको कहीं पर भी हिंदी इंग्लिश मराठी इसी सभी भाषाओं में अवेलेबल हो जाएगी। साथियों आप लोगों को बता दूं कि शिवशाहिर बाबा साहेब पुरंदरे, जिनका पिछले वर्ष ही दुखद निधन हो गया था, इन्होंने अपने जीवन के 75 से ज्यादा वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पण किया है। जानता राजा यह नाटक पूरे विश्व भर में अगर कोई किसी ने फैलाया है तो वो शिवशाहिर बाबा साहेब पुरंदरे है। अब ये मेरा सौभाग्य था कि 1200 का जो नाटक था वो मैंने इनके साथ किया, इनके गाइडेंस में किया, इनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया, और इन्हीं के सारे ग्रंथों को पढ़कर मैं इस काबिल बना कि आप लोगों तक मैं इतिहास की सच्चाई को पहुंचा सकूं। अब जिन व्यक्ति के खंड को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पढ़ते हो, उनसे आशीर्वाद लेते हो, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जिनके ग्रंथ को अपने हाथों में लेकर पूरे भारत में भ्रमण कर लेते हो और जहां जहां उनको समय मिलता है वो उनके ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए जिस व्यक्ति ने 75 वर्ष दिया है हमें भी उनके ग्रंथ को पढ़ना ही चाहिए। और एक बार आपने राजा शिव छत्रपति ये दोनों खंड पढ़ लिए तो इतिहास में कोई भी आपको झूठी जानकारी कभी नहीं दे सकता, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज के रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण लेखक के विषय में। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण लेखक है जिनका नाम है V.S. बेंद्रे। V.S. बेंद्रे जी ने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं,
छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके दो पार्ट हैं, यह आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर अवेलेबल हो जाएगा इजीली कहीं पर भी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र ऑफ द शिवशाही, इसके अंदर आप लोग को शिवशाही यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड की सारी छोटी छोटी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। यानी कि कल्याण के बारे में हो गया, कल्याण की लूट, सूरत की लूट, आगरा का भेंट, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगी विद प्रूफ। अब आपको इनके बारे में एक और जानकारी देता हूं, आप लोग जो हमारे भारत देश के सभी कार्यालयों के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो देखते हो, वो प्रतिमा का संशोधन करने वाले सबसे पहले इतिहासकार लेखक थे बीएस बेंद्रे। तो इनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की रियल फोटो आप लोगों तक पहुंचाई है, हम तक पहुंचाई है। तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण तीन इतिहासकार है। अब इन इतिहासकारों के इतिहास को पढ़ना यह आपका कर्तव्य है। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसके अन्य मैं और पुस्तकें और लेखक के नाम आपको सजेस्ट करूं, खास करके राजस्थान के इतिहास के ऊपर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका पार्ट टू निकालकर हम राजस्थान के इतिहास के विषय बनाएंगे। वो खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में जाएंगे, वो खत्म होने के बाद साउथ में जाएंगे, वो सारे लेखकों के नाम की सूची आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि आप लोग को इस वीडियो को कम से कम 10,000 व्यूज और 1,500 लाइक्स तक पहुंचाना है। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा हम तुरंत अपनी दूसरी सूची चालू कर देंगे। अब ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए सनातनियों जय सनातन।